हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल राधा राजनसी ब्लॉग्स। तो अभी हम और मम्मी जा रहे हैं, जैसा कि बताएं थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं मार्केट के लिए। और आज हम चारों जन जाने वाले हैं, हम, मम्मी पापा और शिवानी, है ना मम्मी। तो हम लोग का कहीं जाने का तैयारी हो रहा है, कहाँ जाने का तैयारी ये नहीं बताएंगे, तो आपको रेगुलर ब्लॉग्स देखने होंगे। तो चलिए चलते हैं मार्केट के लिए, निकलते हैं। फिर यहाँ पापा अपना जैकेट जो लेना था वो देख रहे थे, और ये जैकेट छोटा था बट बहुत अच्छा लग रहा था। इसका डिज़ाइन वगैरह जो था, पापा को जैसा चाहिए था वैसा था, बट इसमें बड़ा साइज़ था ही नहीं। तो फिर हम लोग दूसरा देखने लगे, नहीं तो ये पापा को बहुत पसंद आया था और मेरे को भी बहुत पसंद आया था, हम ही निकाल के दिए थे। बहुत प्यारा कलर भी लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हम लोग देख रहे थे और पापा को सब कुछ पसंद नहीं आता, जो ये सब रेड ब्लैक ये सब है, ये सब जो अच्छा नहीं लगता उनको, सिंपल एक कलर वाला अच्छा लगता है। तो वही हम लोग ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था साइज़ में, मतलब था तो छोटा साइज़ था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये मैरून वाला जो है वो भी देख रहे थे लोग, तो ये भी छोटा ही साइज़ था, मतलब बड़ा नहीं था। इसका नंबर देखे तो फिर यहाँ पे दिखा रहे थे ये भैया, तो ये भी पापा ट्राई कर रहे थे, तो ये भी मतलब छोटा ही लग रहा था साइज़ में, और मतलब बड़ा जो पसंद आ रहा था उसका बड़ा साइज़ नहीं था, और जो नहीं पसंद आ रहा था उसका बड़ा बड़ा साइज़ था, अजीब हो रहा था। तो फिर हम लोग छोड़ दिए कि छोड़ो और बाहर जो है देखते हैं, तब तक और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे था बहुत सारा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, चीटर बोलते हैं, उसमें हम लोग देख रहे थे कि शायद मिल जाए, तो मिल भी गया था, तो बढ़िया था, पापा को मिल गया। फिर हम लोग ये दूसरे मॉल में आ गए, उस मॉल में उतना ही कैप्चर किए। फिर हम लोग दूसरे मॉल में आ गए जो V2 है उसमें, और वो नागर मॉल था जिसमें हम पापा के साथ गए थे। फिर पापा चले गए थे क्योंकि उनको क्लिनिक जाना था, वहाँ पे लेट हो जाते इसलिए वो चले गए थे। फिर हम लोग यहाँ बच्चों के कपड़े देख रहे थे, बच्चों की, छोटे बच्चे की शॉपिंग कर रहे थे हम लोग। और देख सकते हैं यहाँ भी जल्दी, छोटे बच्चे में और परेशानी होती है, मतलब जल्दी मिल ही नहीं रहा था कौन सा कपड़ा ले कौन सा कपड़ा नहीं ले, मतलब इतने सारे थे बट समझ नहीं आ रहा था। और जो अच्छा लग रहा था उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, और ये छोटा छोटा वाला भी प्यारा था बट जैसा चाहिए, जिस चीज़ के लिए चाहिए वैसा नहीं लग रहा था। तो फिर वहीं हम लोग यहाँ ढूँढ रहे थे, तो देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, इतना छोटा छोटा है, बहुत कॉस्टली है, इतना छोटा छोटा 300। हाँ बहुत लग रहा है, ये देखो ना कितने का हाँ।
ये और अच्छा लग रहा है, इसका सेट ना सबसे अच्छा लगा, कि इसका कैप भी है, मोजा भी है, सॉक्स भी लिया हुआ है। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी हम लोग दो दो मॉल में चले गए, तो बहुत छोटे बच्चे का मिलता ही नहीं है, और मिल तो बहुत सारा है, बट हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है, ये बात है। हम लोग थोड़ा अच्छा मतलब देना चाहते हैं, जिसका कलर वगैरह थोड़ा देखने में अच्छा लगे, बच्चे पहने तो क्यूट लगे, वैसे तो सारे बच्चे क्यूट ही होते हैं, बट होता है। सबसे प्यारा तो मेरे को ये कैप पहनना लगता है, मुझे कैप पहने में तो मैं था ध्यान ले लूँ, हाँ पता नहीं मुझे इससे डर लगता है, मेरे को भी ऐसे जो छोटी करती है लोग ना उससे डर लगता है, तो ये लोग हैं इन लोगों से डर लगता है, प्यारा सा ही तो बहुत प्यारा, तो चलिए बहुत हद सब कुछ तो प्यारा ही लग रहा है, लगता है मुझे हाँ दीदी पकड़ो, हेलो मम्मी ठीक है ना, पसंद नहीं आ रहा है वो सब, नहीं ठीक है आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बेस्ट लग रहा है, बेस्ट हमको लग रहा है आप इसलिए बैठे, क्या आप घर ही नहीं जाना है, सिंगल है सब, नहीं सब सिंगल सिंगल, ये जो भी है ना ये सारा सिंगल है, मतलब नीचे का नहीं दिया हुआ है पैंट उसका। सो गाइज आ चुके हैं घर, और मार्केट का ज़्यादा कैप्चर भी नहीं किए, ज़्यादा थक भी चुके हैं, और जब भी हम जैसे वीडियो स्टार्ट होता है तब तक कुछ ना कुछ चलने लगता है बैकग्राउंड में, तो चलिए दिखा देते हैं हम लोग क्या क्या शॉपिंग किए, पापा हम लोगों को क्या क्या दिलाए हैं वो आपको दिखाते हैं, तो चलिए। तो ये भैया का ब्लेजर है जो पापा भैया को बोले ख़रीदने के लिए, तो एक चीज़ होता है मेरे घर कि अगर विंटर हो या समर हो, अगर समर आता है तो एक बार सबका शॉपिंग होता है कपड़े का, और विंटर होता है तो एक बार सबका होता है, तो यहाँ पे देखिए भैया ये ब्लेजर अपने पसंद से लेके आया था, इसलिए भैया का कैप्चर नहीं हुआ, मार्केट भैया नहीं गया था, वो खुद से ख़रीद के लेके आया था, और ये ब्लेजर बहुत अच्छा लग रहा था भैया में, देख सकते हैं आप लोग, अपना स्कूल जाएगा तो पहन के जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा, कलर भी बहुत अच्छा था। सो गाइस ज़्यादा तो ले नहीं पाए मार्केट में, तो सब कुछ दिखाने वाले हैं कि क्या क्या लेके आए हैं मार्केट से, तो चलिए एक एक करके दिखाएंगे, सबसे पहले दिखाते हैं ये, हाँ अच्छे से रखे हैं, सबसे पहले ये लेकर आए हैं नागर मॉल से ही है, देख सकते हैं आप लोग, तो बहुत दिनों से मन कर रहा था मेरे को कि कुछ न्यू लें, तो लिए हैं ये बिछिया, बिछुआ भी बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग की तरफ, बिछिया बिछिया बोलते हैं, बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल सा डेली यूज। सो देखिए इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक है ना शिवानी, सबसे अलग यही लग रहा था, तो शिवानी बोली तो ले लिए, देखिए पहनेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, चलिए जल्दी जल्दी सारा जो भी है हम दिखा देते हैं पहले। सो एक चीज़ बता दो कि हम सबको कुछ ना कुछ पापा दिलाए हैं, तो एक वीडियो ऐड कर दिए होंगे जो भैया खुद से खरीद के लाए हैं ब्लेजर, बिकॉज उसको खुद से देख के लेना था, मतलब फिट वगैरह सब, तो वो तो ऐड कर दिए, वीडियो देखिए कि भैया के लिए वो खरीदाया है, उसके बाद चलिए दिखाते हैं और हम लोग क्या क्या खरीदे हैं। सो देखिए ये जैकेट है पापा का, और कैसा लग रहा है बताइएगा, मेरे पापा कुछ खरीदते नहीं हैं, बट कितना बोलने पे ये खरीदे हैं डेली यूज़ के लिए, ठंडा में मतलब दो ही जैकेट था पापा के पास तो प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग ये एक खरीदा है, तो ये पापा का है, और एक ये देखिए बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ है जो मेरे को बहुत अच्छा लग गया, कैसा लग रहा है डिज़ाइन बताइएगा, कैसा लगा मम्मी आपको,
तुमको सिलाने अच्छा लग रहा है? मेरे को तो ब्लैक ऐसे ही पसंद आता है। हाँ, कुछ न्यू डिजाइन मेरे को इसका लगा ना, जो बाजू वगैरह है, तो सोचे ले ले रहे। सबसे बेस्ट इसका कलर है, हाँ ब्लैक। उसके बाद है एक साड़ी है, देख सकते हैं आप लोग, कॉटन साड़ी, बहुत ही खूबसूरत। और नेक्स्ट जो है ये, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा है ये, इसको क्या बोलते हैं बार बार, इसका नाम डोरमेट। हाँ डोरमेट है, और देखिए मेरे को भी याद नहीं रहता, हम भी पौदान बोलते हैं, हमेशा पौदान ही बोलते हैं हम इसको, हम कुछ भी नहीं, हमको तो डोरमेट याद आ गया अचानक से। तो देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा। सो देखिए ये दोनों ग्रीन है बट डिजाइन अलग है, और ये एकदम हटके है और बहुत ही सुंदर। सो मार्केट से आए और पानी भी नहीं देते, बहुत सुख रहा है, पानी नहीं पिए थे, वीडियो शूट करने लगे तो बहुत गर्म पानी है, इतना गर्म देंगे मम्मी? हाँ गर्दन का सिकाई होगा। हाँ मेरे को खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, तो शायद इससे हो गया। तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्या है। सो ये है मम्मी का स्वेटर, सो इस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर वगैरह, हम लोग इतना चूज करने के बाद लिए हैं, मतलब कंफ्यूज थे कैसा ले, तो ये वाला जो था बेस्ट मिला है, मतलब इसका जो देख सकते हैं डिज़ाइन जो दिया है बारीकी से, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत सॉफ्ट है इसका जो है स्वेटर, जो है एक होता है ना जो चुभता है स्वेटर, आप लोगों को पता है बहुत सारा स्वेटर चुभता है, बट ये चुभ नहीं रहा है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट दिखाते हैं ये, ये देखिए गेस करिए किसका है। सो ये है शिवानी का, ये शिवानी जैकेट ली है, कैसा लग रहा है बताइएगा, न्यू डिजाइन है। अपना सबसे लास्ट में ये है मेरा, देखिए और ये मेरे को बहुत प्यारा लग रहा, पता है बहुत अच्छा लग रहा था, ये नीचे फ्रॉक जैसा डिजाइन है। हाँ। और ये उलेन है, मतलब ठंडा में पहनने वाला, और बहुत प्यारा डिजाइन, और एक होता है कुर्ती टाइप आजकल आ रहा है बट वैसा नहीं है, ये गाउन टाइप है, मतलब पूरा फ्रॉक टाइप, देख सकते हैं जैसे कटा हुआ नहीं है, नीचे हल्का फ्लेयर दिया हुआ है, बहुत प्यारा लगेगा पहनने पे। तो ब्लॉग देखते रहिएगा कब पहनते हैं और कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है ये स्टॉल भी बोल सकते हो, शॉल भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा है इसका, मतलब है बहुत होता है ना एक गर्मी करने वाला कपड़ा उस टाइप का है, और बहुत ही लाइट वेट है, सबसे इसका ये अच्छा चीज़ है, बहुत लाइट वेट है, और कलर देख सकते हो टू इन वन है, मतलब दोनों तरफ से है, इस तरफ से भी आप ले सकते हो और इस तरफ से भी ले सकते हो, बस इस कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, रेड एकदम, देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है। दिखाते हैं, सो नेक्स्ट है ये एक बेबी का कपड़ा है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, पता है इसमें देखिए एक स्वेटर ये और कैप इसमें है, एंड साथ में सॉक्स बहुत प्यारे प्यारे से, सब बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ बिकॉज सो मैंने दो ये बैंगल्स लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और दूसरा है वो ये है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है जो हर कलर में है। सो पता है ना ये जो कलर का कॉम्बो जब आता है येलो रेड एंड ग्रीन, तो बात ही कुछ अलग रहता है, मतलब एक अजीब सा बहुत ही खूबसूरत लगता है कोई भी चीज़, तो हम लोग ये चूज़ किए हैं कि चलो ये हर ड्रेस पे भी चलेगा और बहुत ही सुंदर है, और कहीं आना जाना हो तो ऐसे हम पहन सकते हैं, तो लीजिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो नेक्स्ट दिखाते हैं बहुत अच्छा एक चीज़ हम लोग लिए हैं, इसको अच्छे से निकालना होगा, ये देखिए तो ये कप है, और इसका डिज़ाइन देख सकते हैं एकदम न्यू डिज़ाइन लग रहा है, एकदम प्यारा सा छोटा सा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए,
सो ये देखिए इसी का वेट था, ये है मेरा। कितना दिन बाद हम खाएंगे यार चाट, गोपाली चौक का चाट। बहुत मिस किया इसको, तो भूख लग गया एकदम। देखते हैं और कुछ तो नहीं छूट रहा है। और हम लोग क्या शॉपिंग किए और ये सब बस वही है। ये हम लोग जब जाते हैं दुकान पे ले लेते हैं। ये देखिए तीन तरह का सूप है, ये हम लोग ले लिए तीनों लोग का। और हम लोग ऐसे एक एक चम्मच तीनों ले लेके पी लेते हैं, मतलब तीनों का स्वाद ले लेते हैं। एक भैया का है, एक मेरा। ये चाय पत्ती है, बस ख़त्म। तो चलिए अब हम इसको पहन लेते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। कौन सा डे है मम्मी? कौन सा देवी जाके नहीं, वहाँ का शुक्र है मैम। चलिए अच्छे से निकाल लेते हैं इसे। बस एक ही गड़बड़ है ना कि ये छोटा सा दिया हुआ है ना, तो ये बहुत वो हो जाता है। इसको खोल के हम पहन लेते हैं। और ये बहुत हार्ड है बट बहुत खूबसूरत लगता है ना, देख सकते हैं इसका। और ये देखिए ये फॉल कुछ ली है मम्मी मेरे साड़ी पे चढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे को चढ़ाने आता नहीं है, तो बिना फॉल का ही साड़ी हम पहन लेते हैं। तो मम्मी बोली कि हम सब पे चढ़ा देंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 साड़ी पे मम्मी चढ़ाने वाली है।